हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओल्ड एंड रिपीटेड स्टूडेंट, जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है उनके लिए एक फाइनल एक्सटेंशन यहां पर मुंबई यूनिवर्सिटी आईडल डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। नोटिस को चेक करने के लिए आपको मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ओल्ड एंड रिपीटेड स्टूडेंट का कॉलम देख सकते हैं। यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एमए एजुकेशन पार्ट वन, एमए एजुकेशन पार्ट टू के स्टूडेंट को 8 तारीख तक का एक्सटेंशन दिया गया है विद द लेट फीस। यहाँ पे लेट फीस के साथ आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा था उन्हें 3 तारीख तक फॉर्म भरना था लेकिन नहीं भर पाए, तो अब आपको और 5 दिन का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। फॉलो करते हैं तो यहाँ पर एमए एमएससी मैथ्स पार्ट टू के स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट वन पार्ट टू दोनों के स्टूडेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो एमकॉम पार्ट वन एमकॉम पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सटेंशन दिया गया है। FY BA SY BA FY BCOM SY BCOM के स्टूडेंट्स को भी एक्सटेंशन मिला है। साथ ही FY and SY BSc IT सेमेस्टर 1 and 3 के स्टूडेंट्स उनको 10 तारीख तक का एक्सटेंशन दिया गया है। TY BCOM के स्टूडेंट को 6 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया है। फिर TY BA के स्टूडेंट्स को भी 6 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया है। एंड MSc IT and CS पार्ट 1 एंड MSc IT CS पार्ट 2 के स्टूडेंट को भी 6 तारीख तक का एक्सटेंशन दिया गया है विद द लेट फीस। तो अगर अभी तक आपने ओल्ड एंड रिपीटर के स्टूडेंट्स हो, आपको किसी कोर्सेज में एडमिशन लेना था, आपको किसी सब्जेक्ट में ATKT थी, अगर आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भर पाए तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जल्द से जल्द फॉर्म भरिए ताकि आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आती तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।